साथियों मेरे पीछे आप देख सकते हैं चिड़ियों के कितने झुंड हैं, और ये चिड़िया मतलब इतने पानी में, पानी और इतनी सर्दी है और ये पानी में, आप पीछे थोड़ा दूर देख सकते हैं, अभी मैं पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। मतलब इतनी सर्दी में और इतने ठंडे पानी में ये चिड़िया जो हैं रह रही हैं, बताइए। अब पूरी वीडियो देखिए आप साथियों, यहाँ पर देखिएगा, ये मतलब पानी है और एकदम से ठंडा पानी, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो हैं चिड़ियाँ पानी में रहती हैं और उड़ती भी हैं, उड़ भी जाती हैं पानी से। और ये सोचो कि आप इनके बॉडी में कितना टेम्परेचर होगा कि ये मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे ये पानी के अंदर रह रही हैं, वो भी पानी कितना ठंडा होगा। अब जहाँ तक मेरे समझ से मुझे लगता है कि इनका जो बॉडी इनसाइड टेम्परेचर है वो अलग है और अपने लोग का जो टेम्परेचर होता है वो अलग है। ये मतलब वीदर के अकॉर्डिंग अपने तापमान को मेंटेनेंस करने की क्षमता इनके अंदर होती है। तो ये जो है पानी के अंदर भी अपने इनसाइड बॉडी के तापमान को उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसी वजह से ये पानी में आराम से रह सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहले मैं निकला तो मुझे लगा कि अरे ये पता नहीं क्या है, कुछ होगा, पड़ा होगा पानी में, लेकिन फिर जैसे ये इन्होंने उड़ना शुरू किया दो चार ने, फिर मैंने देखा ये तो चिड़िया है, तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये चिड़िया है तो आप सभी को इसका वीडियो दिखाना चाहिए। तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है कि यहाँ पर आप सब भी देख सकें कि मतलब ये इन्वायरमेंट, ये सब मतलब जो नेचुरली है, ये सब नेचर क्या है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, ये चिड़ियाँ जो हैं, चिड़ियाँ ही हैं, ये बत्तख नहीं है। अगर आपको ये लुक वाइज बत्तख लग रही हो तो आपकी ये मतलब गलत सोच है, ये चिड़ियाँ हैं और ये बत्तख नहीं है, क्योंकि बत्तख जो हैं वो ज़्यादा उड़ नहीं पाती और इतनी छोटी होती नहीं, वो थोड़ा बड़ी है। ये इस सामने की मील पर हमारा काम चल रहा था, तो यहीं मील के साइड में ये पानी भरा हुआ था, तो इसी पानी में इन चिड़ियों का झुंड जो है परमानेंट रहता है। साथियों ये चिड़ियाँ खुद के बॉडी टेम्परेचर को पानी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकती हैं। इस चीज़ को मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन फिर बाद में मैंने पढ़ा था, कुछ समझ आया था, तभी आज वो सामने आया दृश्य, तो मैंने सोचा आप सबको भी वो चीज़ दिखानी चाहिए। ये जितनी भी चिड़ियाँ हैं सभी पानी में हैं, और ये मुझे दूर से चिड़िया लगी, एकदम बड़ी चिड़िया, फिर बाद में पास आया तो छोटी सी चिड़िया ऊपर बैठी हुई थी, ये जिसे नीलकंठ बोलते हैं। साथियों वीडियो को लास्ट तक तो देखना ही देखना, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी करना। यहाँ पे ये अकेली चिड़िया बैठी हुई थी, मतलब अपने ये सब खाने के तलाश में है। हम इंसानों का क्या होता है कि हम लोग एक टाइम में खाना खाते हैं, फिर उसके बाद शाम में खाना खाते हैं सीधा, और इन चिड़ियों का क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा दिन भर खाती रहती हैं, दिन भर थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हैं। और ये कुछ चिड़ियाँ थीं जिन्हें मैंने उड़ता हुआ वीडियो बनाया, जिनका अब ये उड़ती हैं, उड़ने के बाद उसी पानी में फिर से बैठ जाती हैं, मतलब तैरना शुरू कर देती हैं। साथियों फ़िलहाल तो इन चिड़ियों का दिन भर यही चलता रहता है, मैं देख तो कई दिन से रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा इनका वीडियो बनाऊं। ये चिड़ियों के जो बेबी हैं वो हैं बच्चे, अब वो कहावत भी सही ही है कि बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, वो खुद ही सीख जाते हैं। तो उसी तरीके से तैरने वाली अगर चिड़िया है तो उसको सिखाया नहीं जाता, जैसे बंदर के बच्चे को पेड़ पे चढ़ना सिखाया नहीं जाता, वो खुद ही सीख जाता है। अब जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के बेटे को बिजनेस करना सिखाया नहीं जाएगा, वो खुद ही सीख जाएगा यार। अब एक चीज़ और होती है, जैसे ये पानी जो है रनिंग पे है, मतलब उधर से चल रहा था इधर के लिए,
और ये चिड़िया जो है आराम से इसमें अपना भोजन प्राप्त कर रही थी। कीड़े मकोड़े जो भी है वो चिड़ियों का भोजन होता है, वही चिड़िया खाती हैं। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसका भी मैं थोड़ा ध्यान रख रहा था, इसे मैंने बस ऐसे ही एग्जाम्पल पर्पस से बनाया। तो यहाँ से मैं इसे शूट कर रहा था, एकदम हर एक खेतों के पास में पानी है और पानी में चिड़ियाँ हैं, आप सब देख सकते हैं अच्छे से। और ये चिड़ियों के झुंड जो हैं काफ़ी बड़े हैं साथियों, और यहाँ पे इनकी चिड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो जय श्री राम साथियों, सबका ध्यान रखें श्री राम जी। तो साथियों, वीडियो को फिलहाल यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये जो भी है नेचुरली है, इनका इन्वायरमेंट अलग होता है, इनकी इनसाइड बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है, और हम इंसानों की बॉडी का इनसाइड टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है। हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है सर्दी में, और इन्हें कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवे, तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर देना, और जो भी मतलब आपको सही लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो 101% जरूर से कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।